डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड स्पेशल्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो देखो, फर्स्ट मतलब सी प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम जो है वो लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा वियर्ड आपको लग रहा होगा क्योंकि सी प्रोग्राम जो है वो मैंने सारी की सारी मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैक्सिमम कंप्लीट कर दी है। लेकिन इसमें भी हम लोग जो है वो पहले आपको जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझाए हैं, फिर मैं फाइनली अब फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी पे आया हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, इसका रीजन बहुत बड़ा है क्योंकि जब जनरली मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बड़े शौक शौक से सीखते हैं सी प्रोग्राम, मतलब सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, पहला प्रोग्राम बड़ी खुशी खुशी लिखते हैं, जब दूसरे तीसरे प्रोग्राम पे पहुंचते हैं ना, वहां जाके सारा इंटरेस्ट जो है वो ठप हो जाता है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार पहले इससे स्टार्ट करूंगा, पता नहीं बाद में प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी या नहीं, तो इसीलिए पहले जो है वो सारे मेजर सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ऑल्दो देखो, आपको मेजरली चीजें जो है वो पता ही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके इंटरव्यूज के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरा मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बताना, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं करा, अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h मेन ब्रेसिस स्टार्ट प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ये आपने जो है वो प्रोग्राम बहुत बार देखा भी होगा, लिखा भी होगा, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर आपने वेरिएशन भी की होगी, लेकिन मेरा मकसद है आपको थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले बताना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक हेडर फाइल है और stdio का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है ना। तो .h मतलब इसकी एक्सटेंशन है, तो हेडर फाइल जो है वो यहाँ पे मैंने यूज की है। और इसको यूज करने का मेजर पर्पज क्या है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम वहां पे स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लाइक प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, मतलब आउटपुट जो है वो शो करनी है या इनपुट मेरे को लेनी है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज करते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन, आप देखो यहां पे मैं सीधा यूज कर रहा हूं, ये फंक्शंस को सीधा यूज कर रहा हूं, यहां पे मैंने इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी, मतलब ये काम कैसे करते हैं ये कैसे पता लगेगा, तो वो जिस फाइल में मेंशन है उसको बोलती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, मतलब इनकी जो डेफिनेशन है वो यहां पे है। तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जनरली होता क्या है कि जैसे आप जीसीसी कंपाइलर पे काम कर रहे हो अगर, तो उसमें आप नहीं भी करोगे ना, डायरेक्ट मेन से भी स्टार्ट करोगे तब भी काम चल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर भी देता है, ठीक है। लेकिन अगर एरर आ रही है तो समझ जाना कि हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया, तो आप हेडर फाइल उसमें डाल सकते हो। देन मेन आ गया, मेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि सी प्रोग्रामिंग की जो कंपाइलेशन है, जो एक्चुअल में स्टार्ट होती है कंपाइलेशन, वो यहां से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मेन जो है वो सबसे पहले ढूंढा करो कि मेन कहां पे लिखा हुआ है, मेन से आप लोग स्टार्ट करो कि किस तरीके से फंक्शन जो है वो चल रही है। तो मेन आपका आ गया, उसके बाद आपकी ब्रेसिस स्टार्ट आ गई, मतलब ये बॉडी आ गई, ये फंक्शन की बॉडी आ गई, ठीक है ना। तो मेन यहां पे स्टार्ट हो गया, ये फंक्शन की मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड आपका आउटपुट फंक्शन है। इनपुट के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं, आउटपुट मतलब मेरे को मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट एफ, और इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड प्रिंट। यहां पे जो ये एफ यहां पे दिख रहा है इसका मतलब क्या है, फॉर्मेट मतलब प्रिंट करो विद फॉर्मेट, ठीक है ना। फॉर्मेट मतलब वही, जैसे हम पीपीटीज में या वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हैं ना, वही चीज है यहां पे। तो फॉर्मेटिंग जो उसके साथ यहां पे प्रिंट कर रहा है। और ये नेक्स्ट क्या आ गया, हेलो वर्ड, तो ये हमारी स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं और हरेक लाइन को हमें खत्म किससे करना है, सेमी कॉलन से। सी प्रोग्राम में आपके मेन के बाद जितनी भी लाइंस हम लोग लिख रहे हैं वो सारी की सारी किससे खत्म हो रही है, सेमी कॉलन से खत्म हो रही है। और यहां पे मैंने ब्रेसिस स्टार्ट की तो यहां पे कर्ली ब्रेसिस को मैंने बंद किया, ठीक है। अब यहां पे एक दो पॉइंट आपको बता दूं कि जैसे प्रिंट एफ जो है, हमने क्या बोला कि फॉर्मेटेड जो है, फॉर्मेटेड का मतलब यहां पे क्या बना कि लेट से मैं हेलो वर्ड को इस तरीके से अगर लिखता हूं, हेलो \t वर्ड, इसका मतलब क्या बना कि ये कैसे प्रिंट करेगा हेलो, और फिर यहां पे क्या आ गया, स्पेस आ गया, और फिर क्या आ गया, वर्ड। एक स्पेस नहीं आएगा, काफी स्पेस आएगा, मतलब ये क्या है, टैब। टैब पता है ना क्या होता है, टैब होता है बंच ऑफ स्पेसेस, मतलब कलेक्शन ऑफ स्पेसेस। तो उसके बाद क्या आ गया,
इस तरीके से फॉर्मेट करके प्रिंट कर रहा है। तो ये कहां पे अलाउ कर रहा है, ये प्रिंट एफ जो है वो ये चीज अलाउ करता है, या हम कई बार इस तरीके से लिख देते हैं हेलो और फिर बैक स्लैश एन और लेट से मैंने लिख दिया वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यू लाइन, मतलब हेलो जो है वो पहली लाइन में आएगा और वर्ड जो है वो दूसरी लाइन में आपका इस तरीके से प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स है फॉर्मेट की। अगर आपसे पूछता है कि प्रिंट एफ में एफ क्या है और कैसे काम करता है उसका एग्जाम्पल बताओ, तो आप इस तरीके से उसका एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सिंपल सा पहला प्रोग्राम है, आपको पता लग गया कि प्रिंट एफ कैसे काम करता है, क्या मतलब है और हेडर फाइल्स का क्या मतलब है। धीरे धीरे करके हम आगे फर्दर जो है वो प्रोग्राम्स का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।